अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद तालिबान की क्रूरता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तालिबान ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिलाओं की आज़ादी की बात की थी, साथ ही उसमें नियमों में छूट देने का वादा भी किया था, लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल उलट है। दरअसल तालिबान ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि महिलाओं को स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में पूरी आज़ादी दी जाएगी, उन्हें कोई काम करने से रोका नहीं जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा करने के कुछ घंटों बाद ही वहां काम कर रही महिला पत्रकारों की छुट्टी कर दी गई। उन्हें कहा गया, तुम एक महिला हो, तुम यहां काम नहीं कर सकती, बल्कि उनकी जगह पुरुष सहकर्मी को काम पर आने दिया जाएगा। बता दें कि सरकारी न्यूज संस्थान आरटीए पाश्तो में काम करने वाली महिला जब अफगानिस्तान पर कब्जा होने के बाद अगले दिन अपने दफ्तर गई तो उसे काम पर आने से मना कर दिया गया। इसकी वजह बताया गया कि वहां नियम बदल गए हैं और महिलाओं को आरटीए में काम करने की इजाज़त नहीं है। यही नहीं, महिला के आईडी कार्ड दिखाने के बाद ही उसे काम पर से निकाल दिया गया। अब आप समझ सकते हैं कि जब वहां मीडिया, जिसे फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, वहां काम करने वाली महिलाएं ही सुरक्षित नहीं है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहां रह रही सामान्य महिलाओं का क्या हाल हो रहा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।